तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके चैनल अमित एडिटिंग पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता है सब ठीक ही और होंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि तो मैं आज की अच्छा इस वीडियो फोटो में कुछ एडिट हुआ कमाल है की फोटो एडिटिंग करने और वाले इसे हैं हम हम। लोग कहते हैं प्राइम टोन। तो दोस्तों बहुत ही गजब का फोटो एडिटिंग हुआ आज, देख सकते हैं आप। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइट रूम एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आपकी इस चैनल पर मिलेंगे। सो गाइस, वीडियो पूरा लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे नॉर्मल फोटो, इस फोटो को शेयर करते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन में, वहाँ से फोटो को एडिट करेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारा फोटो लाइटिंग एप्लीकेशन आ गया है और बहुत ही आसान भाषा में सिखाऊंगा कि प्राइम टोन फोटो में कैसे डालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं लाइट में और कंट्रास्ट को हल्का सा कम कर देते हैं और हाईलाइट को हल्का सा कम कर देंगे और शैडो को हल्का सा बढ़ा देंगे ताकि हमारा डार्क वाइट हल्का ब्राइट हो जाए। इतना बिल्कुल सही, आप हमेशा फोटो बढ़ा लीजिएगा। और चलते हैं वाइट में, वाइट को -8 के राउंड रख देंगे, इतना सही है। और चलते हैं ब्लैक में, ब्लैक को माइनस कर ले जाएंगे। सो गाइस, इतना बिल्कुल सही है। अब चलते हैं कर्व में, थोड़ी बहुत कर्व को छेड़ेंगे। तो दोस्तों मैं कर्व में आ चुका हूँ। उसका सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर डॉट बनाना है और नीचे हल्का से उठा देना है। तो गाइस इससे हमारा फोटो में थोड़ा मूडी टोन आ जाएगा। उसे गाइस डन कर देते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। अब चलते हैं कलर में, फोटो में कलर डालेंगे और सबसे पहले टेम्परेचर कम कर देंगे ताकि हमारे फोटो में थोड़ा ब्लू टोन आ जाए और टिंट को भी हल्का सा कम कर देंगे और वाइब्रेंस को बढ़ा देंगे। सो गाइस, वाइब्रेंस को बढ़ाते हैं, हमारा कलर और ज़्यादा सेचुरेट हो गया है और सेचुरेशन को -7 रख देंगे। तो इतना बिल्कुल सही है, फोर इन आफ्टर। अब चलते हैं मिक्स में, रेड की सेचुरेशन को हम बढ़ा देंगे हल्का सा। अब चलते हैं ऑरेंज में, जो हमारा फेस कलर होता है, सेचुरेशन को हल्का सा कम कर देंगे और ल्यूमिनेंस को अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। आप जितना आपको फेस ब्राइट चाहिए उतना बढ़ा लीजिएगा। सो हमको इतना अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं येल्लो में, येल्लो माने ह्यू को हम लोग -7 ले जाएंगे और सेचुरेशन को -7 कर देंगे। सो गाइस, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और इतना रखने के बाद और ल्यूमिनस को हम लोग कम कर देंगे जिससे कि हमारा बैकग्राउंड थोड़ा डार्क हो जाए। अब चलते हैं ग्रीन में, ग्रीन माने में हम ह्यू को -7 ले जाएंगे और सेचुरेशन को भी -7 ले जाएंगे। सो इतना बिल्कुल सही है। और ल्यूमिनस को कम कर देंगे जिससे कि हमारा बैकग्राउंड डार्क हो जाए। चलते हैं लाइट ब्लू में, ह्यू को -7 ले जाएंगे, इतना सही है। और सेचुरेशन को हल्का सा बढ़ा देंगे और ल्यूमिनस को भी हल्का सा कम कर देंगे। चलते हैं ब्लू में, ब्लू में आने वाले ह्यू को हम लोग कम कर देंगे, थोड़ा टील के ओर ढक देंगे ह्यू को और सेचुरेशन को हल्का सा बढ़ा देंगे। जिससे कि हमारे फोटो में थोड़ा ब्लू टोन आ जाए, देख सकते हैं आप नीचे एक साइड में। और ल्यूमिनस को हल्का सा कम कर देंगे। चलते हैं पर्पल में, सेचुरेशन को हम लोग +7 ले जाएंगे। उसके बाद गाइस डन कर देते हैं। अब चलते हैं गाइस कलर ग्रेडिंग में, फोटो में थोड़ा कलर ग्रेडिंग करते हैं और सिंपली आ जाना यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पर छोटा डॉट धीरे से क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद सेचुरेशन को फुल कर देना है एकदम अच्छे से, तभी पता लगेगा हमारे फोटो में कौन सा कलर चाहिए, अपने साथ डाल लीजिएगा। तो यहाँ से आते हैं हम लोग लेके 214 के आसपास, प्राइम टोन डालने के 214 के आसपास रहेंगे। सो इतना सही है। और सेचुरेशन को हम लोग कम कर देंगे, 52 के अराउंड रख देते हैं।
और अगर नीचे आपको लुमिनियंस देख रहे हो उस पर क्लिक करना है और माइनस कर देना है। अब चलेंगे हाईलाइट में और सेचुरेशन को हल्का सा बढ़ा देना है। और ह्यू को भी हल्का सा बढ़ा देना है। और दोस्तों ब्लेंडिंग को हल्का सा कम कर देना है और बैलेंस को भी हल्का सा कम कर देना है। तो कलर ग्रेडिंग का काम खत्म हो चुका है। अब चलते डन करते हैं। अब चलेंगे इफेक्ट में, फोटो में थोड़ा क्लियरिटी वाइटी डालेंगे और टेक्सचर को हल्का सा बढ़ा देंगे और क्लियरिटी को हल्का सा हम लोग बढ़ा देंगे और डीएच को हल्का सा बढ़ा देंगे। इस बार फोटो की क्वालिटी एकदम अच्छी हो जाती है। और बिनेट को हल्का सा कम कर देते हैं और गैस मिड पॉइंट को हल्का सा कम कर देना है और फैदर को पूरा फुल कर देना है और राउंडनेस को अभी हल्का सा कम कर देते हैं। तो इतना बिल्कुल सही है। अब चलते हैं, अब चलिए डिटेल में, फोटो में डिटेल डालेंगे। शार्पिंग हल्का सा बढ़ा देना है आपको जिससे कि अगर फोटो शार्प हो जाए अच्छा दिखने लगे। और मास्किंग को भी हल्का सा बढ़ा देंगे और नॉइस रिडक्शन को भी हल्का सा बढ़ा देते हैं। सो गाइस कलर नॉइस रिडक्शन को भी हल्का सा बढ़ा देंगे। अब गाइस डन करते हैं तो देख सकते हैं आप बिफोर एंड आफ्टर। सो गाइस हमारे फोटो में बहुत ही गजब का टोन पड़ चुका है, इसे हम लोग प्राइम टोन कहते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी धमाकेदार वीडियो में। तो सिंपली गाइस फोटो को सेव करने के शेयर वाले बटन क्लिक करना है और सेव टू डिवाइस कर लेना है।